अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कस्टमर सर्विस जॉब इन दुबई यूएई के फेसबुक पेज से फिर से हाज़िर हूँ। सो फ्रेंड्स, आज भी हम सर्च करेंगे कि कौन सी न्यू जॉब्स आई हैं और किस तरीके से हमें अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस है। सो चलते हैं सबसे पहले हम पेज की जानिब, और सबसे पहले हम जाएंगे पोस्ट के ऑप्शन पे। देन हम चेक करेंगे कि कौन कौन सी जो है जॉब न्यू आई हुई है और क्या प्रोसेस है, किस तरीके से हमें अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स चलते हैं। अच्छा, मैं आपको ये भी बताते चलूँ, जो वीडियो में आप देखते हैं तो आप वीडियो में आप देखा करें या तो बहुत सी जगह पे आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी और वरना नीचे भी डिस्क्रिप्शन आ रही होती है, तो उसमें लिंक होता है उस जॉब पर अगर आपको अप्लाई करना है। तो अगर आपको कोई वीडियो में कोई चीज़ नहीं, कॉन्टैक्ट उनकी डिटेल समझ में आती, तो आप डायरेक्टली उस लिंक के ज़रिए आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, तो आपके लिए ये इजी प्रोसेस होगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं जॉब की जानिब और चेक करते हैं कि कौन कौन सी न्यू जॉब्स आई हैं। कस्टमर सर्विसेज रिसेप्शनिस्ट रिक्वायर इन दुबई, टेली मार्केटिंग एग्जेक्टिव रिक्वायर इन दुबई, कस्टमर सर्विस एग्जेक्टिव, और इसी तरह आप देखें कि कॉल सेंटर के हवाले से भी और सेल्स के हवाले से भी और अदर पोजीशन के हवाले से जो है जॉब्स आई भी होती हैं। तो जो भी आपकी आपका जो क्राइटेरिया है या किस पोजीशन के लिए आप जॉब सर्च कर रहे हैं, तो आप वो देख सकते हैं और देन आप अप्लाई भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज जो है हम इस जॉब की रिक्वायरमेंट चेक करते हैं और प्रोसेस देखते हैं क्या प्रोसेस है। सो फ्रेंड्स हम आ गए हैं और अब हम चेक करते हैं कस्टमर सर्विस कम रिसेप्शनिस्ट रिक्वायर इन दुबई। वी आर लुकिंग फॉर कस्टमर सर्विस एग्जेक्टिव कम रिसेप्शनिस्ट फॉर अ डायनेमिक कंपनी इन दुबई। कस्टमर सर्विस एग्जेक्टिव टू कम ऑन बोर्ड हु इज़ वेरी प्रोफिशिएंट इन रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश एंड रेडी टू लर्न लॉस एंड थ्रो देमसेल्फ इनटू द टीम। सो फ्रेंड्स इनको कस्टमर सर्विस कम रिसेप्शनिस्ट की नीड है और ये एक डायनामिक कंपनी है जो कि दुबई में है और इनको एक चाहिए कस्टमर सर्विस और रिसेप्शनिस्ट जो कि प्रोफेशनल हो इंग्लिश राइटिंग में और बोलने में और हमेशा तैयार रहे एक न्यू चीज़ सीखने के लिए और जो कि कंपनी की रूल्स रेगुलेशन है और जो भी कोई अपडेट होती है तो वो उसको लर्न कर सके और टीम के साथ मैनेज करके काम कर सके। सो फ्रेंड्स इसमें एक्सपीरियंस शो नहीं किया हुआ, इसके अलावा सैलरी और बेनिफिट भी नहीं किए हुए। तो अगर आपके आपकी इंग्लिश अच्छी है, प्रोफिशिएंट हैं इंग्लिश में और आप लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं, बोल चाल आपकी अच्छी है इंग्लिश में, देन आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो मेन चीज़ है वो है आपकी इंग्लिश। इंग्लिश अगर आपकी अच्छी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस भी कम है, एक साल का है, दो साल का है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आसान तरीका ये है कि ये दो कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए और इसके अलावा CV भी दी हुई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आप अपनी CV शेयर करेंगे और अभी तो रिसेंट आप अपनी कलर पिक्चर के साथ, और इसके अलावा आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अगर आप CV सेंड नहीं भी करें तो सबसे पहले तो आप कांटेक्ट कर लें, क्योंकि अगर फर्दर आपको कोई डिटेल्स मालूम करनी है जॉब के हवाले से तो वो भी आप मालूम कर सकते हैं डिटेल। देन आपको जो भी प्रोसेस होगा वो बता देंगे। अगर इंटरव्यू के लिए आपको कांटेक्ट किया जाता है तो आप बुला सकते हैं इंटरव्यू के लिए भी। देन जो भी फर्दर आपकी कन्फ्यूजन है तो वो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, और अदरवाइज़ आप ईमेल एड्रेस पे जो है अपनी CV भी सेंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये प्रोसेस था इस जॉब के लिए, बहुत ही इजी, और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा बहुत। अल्लाह हाफिज़।